पैरल और सीज के ऊपर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, नॉट फॉर एनसीईआरटी, तो ये सिंपल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको आर और सी एक बार सीरीज में गिवन है, एक बार पैरल में गिवन है। ए सी सोर्स है, आपको ये गिवन है कि इम्पिडेंस सीरीज में ट्वाइस है एज कम्पेयर टू पैरल कॉम्बिनेशन। तो बताओ मैंने कितनी फ्रिक्वेंसी अप्लाई की। ऐसे चार ऑप्शन होंगे, मैंने दो ही लिए हैं ए बी। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर ओमेगा तो बाद में निकलेगा, पहले इम्पिडेंस निकलेगी। तो सीरीज के अंदर इम्पिडेंस का फॉर्मूला पता है, आर स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर लगा दिया। पैरेलल के अंदर इम्पिडेंस आज करवाई थी 1/Z² 1/R² 1/XC² एक्स सी उसमें है ही नहीं, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखाया था मैंने पैरेलल में, चेक कर लो यही था, एक्स एल हटा देना। तो ये सिंप्लीफाई करना इसको, सी ओमेगा 1/C ओमेगा पुट करके तो जेड ऑफ पी आएगा। तो पैरेलल में इम्पिडेंस आ गई, सीरीज में आ गई। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सीरीज की इम्पिडेंस 2 times पैरेलल की इम्पिडेंस है। तो स्क्वेयरिंग कर लिया, जेड एस निकाल चुके हैं, जेड पी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। देखो इसमें से ओमेगा निकालना बड़ा मुश्किल है, मैंने निकालने की कोशिश भी की, देखो एलसीएम भी लिया नहीं निकला, तो मैं वापस आ गया यहीं पर। तो फिर हिट एंड ट्रायल है, ओमेगा की फर्स्ट वैल्यू उठाओ ए ऑप्शन से, इसको लेफ्ट और राइट पे पुट करो, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गई बस वो आंसर है। क्वाड्रेटिक क्यों सॉल्व करते हो, लंबा तरीका क्यों करते हो, ऑप्शन पुट कर लो ओमेगा का, जो आंसर आ जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन को, आंसर डन। ए और बी आंसर में से कुछ एक ऑप्शन आएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक, सॉल्व नहीं करना, इम्पिडेंस निकालनी आ गई, उसके बाद तो हिट एंड ट्रायल पे हो जाएगा।